यस सर, यस सर। फोर्टी परसेंट सर। सर 20%, 20%। यस सर, ₹4 में सर 400 आ गए। वन एट आए, 1:8। यस सर, जी सर।
सर 20% होगा। सर इसको रिपीट कीजिएगा प्लीज। ठीक आपके पास 5x आ जाएगा। तो x हमने फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, यानी कि x इज 10% ऑफ 500। तो एक बंदा अगर 500 में 50 मार्क्स लेता है तो उसकी परसेंटेज क्या होगी? 10% होगी। जी सर। अगर एक बंदा, अच्छा मैं आपसे भी पूछता हूँ कि अगर एक बंदा 500 में 100 मार्क्स लेता है उसकी क्या परसेंटेज होगी? 500 में 100 मार्क्स ले दिए सर, ये 50 की जगह पे 100 लिखेंगे ना फिर? हाँ, वैसे कितनी होगी आप दहन से बताएं ना, हर चीज तो आप सोल्व नहीं करेंगे, दहन भी थोड़ा यूज करेंगे। 100 जी, 20, वेरी गुड, 20% हो जाएगी। 20 जी, 20 हो जाएगी, गुड। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बंदे ने 500 में से 200 मार्क्स जी, देखिए परसेंटेज है, तीसरा वाला नहीं समझ आई। देखिए मैंने आपसे इसकी मैंने आपको जो क्या नाम है, जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए तो फाइनल वैल्यू माइनस मल्टीप्लाई बाय 100। अब फाइनल वैल्यू क्या है? एक चीज 100 से 80 तक हो गई, ठीक है जी। अच्छा इसको आप एब्सोल्यूट में लेके, ये एब्सोल्यूट है, 100 से 80 तक हो गई, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल वैल्यू आपकी 80 है, 80 माइनस इनिशियल वैल्यू 100 है, ठीक है जी। इसका एब्सोल्यूट
यानी कि एब्सोल्यूट क्या करता है, माइनस को कहा जाता है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये 100 इसके साथ कट गया, 80 माइनस 100 का एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी माइनस 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट जो है वो माइनस को कहा जाता है, तो ये आपके पास 20 आ गया, यानी कि परसेंटेज चेंज कितना हो गया, वो 20% हो गया। ठीक हो गया जी, समझ आ गई इसकी? यस सर। अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक आज करते हैं, क्योंकि आपके पास सर ये जो तीसरा क्वेश्चन था, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे मतलब फाइनल से इनिशियल निकाल के जितनी आई है उसको 100 के साथ कर लें, तो इस तरह भी हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, वो इस वजह से कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू थी वो इनिशियली क्या थी, वो 100 थी। जी सर। ठीक है जी सर। जब आपकी वैल्यू इनिशियली 100 हो फिर आप कर सकते हैं जी, लेकिन अगर आपकी वैल्यू 100 नहीं है तो फिर आपको टी फार्मूला लगाना, ये फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर 100 हो तो सिर्फ माइनस कर दो डायरेक्ट जी, अगर दो तीन क्वेश्चन होते हैं, उससे पहले आप जरा नंबर्स को समझने की कोशिश करें। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे कंटिन्यू होते हैं इन